ए से डी के ऊपर ये हमारे पास आएगा, तो एट पॉइंट डी के ऊपर हमारे पास दो करंट लग रहे हैं। पॉइंट डी के ऊपर करंट आई वन जो कि डोमिनेटिंग करंट है, और दूसरा करंट हमारे पास आई थ्री है, ठीक है। ये दो करंट यहाँ पे लग रहे हैं, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, माइनस आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जब पॉइंट डी से हमने बी की तरफ जाना है, तो पॉइंट डी से बी की तरफ हम जाएंगे तो करंट टू डोमिनेटिंग का फ्लो क्या कर रहा है, करंट ही सारे लूप में फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास करंट क्या आएगा, आई वन आएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट डी से बी तक इस गलवानोमीटर में अब यहाँ पे भी दो करंट लग रहे हैं, एक आई वन और दूसरा आई टू करंट लग रहा है डी से बी तक आते हुए। एट पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास आई वन एंड आई टू टू करंट लग रहे हैं। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, माइनस इंटू आई वन माइनस आई टू इंटू इसमें से पास का आ रहा है गलवानोमीटर में से, तो गलवानोमीटर भी यहाँ पे बेसिकली एज अ रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं आर जी। तो ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन वन बन गई ए बी डी ए की, ये हमने ये वाला लूप कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट लूप आता है ये वाला बी सी डी बी वाला, तो ये इसमें करंट आई टू एंटी क्लॉकवाइज पास कर रहा है, तो हम यहाँ से करंट आई टू इस लूप में जो डोमिनेटिंग करंट है वो हमारे पास आई टू है, तो हम सबसे पहले जिस तरह हमने यहाँ पे आई वन सबसे पहले कंसिडर किया, अब यहाँ पे जो हम ये वाला लूप कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले जो हमने करंट लेना है वो डोमिनेटिंग करंट मतलब आई टू को सबसे पहले लिखना, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो भी हमारे पास आएगी रेजिस्टेंस की या गलवानोमीटर की उसको हमने बाद में लिखना है। अब करंट आई टू यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है, करंट आई टू रेजिस्टेंस आर टू में से पास करता हुआ यहाँ से आएगा, ये सारा सर्किट इसने कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो आई टू आर टू में से पास कर रहा है। तो सिमिलरली जब मैंने पहले कहा था कि जब भी करंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा तो इसके साथ जो साइन आना वो कौन सा आना है, नेगेटिव का आना है। सो हम क्या करेंगे, अब लूप हमने कौन सा कंसीडर करना है, नो लूप जो हमने लिया है वो कौन सा लिया है, बी सी डी बी वाला, ये हमने बी सी डी बी वाला लूप लिया, लूप बी सी डी बी ये लूप लिया। इसकी क्वेश्चन हम बना लेते हैं, इसकी क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगी जी, इसकी जो क्वेश्चन हमारे पास आनी है वो आएगी करंट आई टू डोमिनेटिंग है, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस आई टू आर टू, आई टू आर टू यहाँ पे आ गया। अब बी से डी पे जब इसने आना है तो बी से डी पे आते हुए हमारे पास यहाँ पे करंट जिस तरह डी से बी पे जाते हुए हमारे पास दो करंट लग रहे थे आई वन एंड आई टू, आई वन डोमिनेटिंग था इसलिए हमने आई वन माइनस आई टू किया था। अब बी से डी पे आते हुए भी हमारे पास इस गलवानोमीटर जो इसकी बेसिक कंडीशन है यहाँ पे बी और डी पे सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हमारे पास भी दो करंट लग रहे हैं बी से डी तक आते हुए, तो हमने यहाँ पे क्या लेना, माइनस डोमिनेटिंग करंट कौन सा आई टू उसमें से माइनस करना है दूसरे करंट को आई वन को, और किस में से पास कर रहा है गलवानोमीटर में से पास कर रहा है, सो आर जी ये ले लिया हमने, माइनस यहाँ से आप यहाँ पे आते हुए डी से सी पे जाते हुए यहाँ पे भी हमारे पास अब दो करंट लग रहे हैं, लेकिन अब एक्सटर्नल थर्ड सर्किट का जो आई थ्री करंट है वो लग रहा है, तो डोमिनेटिंग करंट कौन सा है जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो आई टू, इसको हम पहले लिखेंगे आई टू, नेक्स्ट करंट माइनस आई थ्री, और किस में से पास कर रहा है अब ये रेजिस्टेंस आर फोर में से, ये रेजिस्टेंस आर फोर है हमारे पास ये वाली, तो ये आर फोर में से पास करें। तो ये बेटा आ गई इसकी सेकंड क्वेश्चन, जो मेन काम था लूप कंसीडर करने का और उनकी इक्वेशन बनाने का वो हमने यहाँ तक कर लिया, आगे बहुत सिंपल स्टेप है इसके सॉल्व करने के। अब बेटा नेक्स्ट हमने जो इसका स्टेप करना है, हमने कंसीडर करना है कि आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो या आई वन इज इक्वल टू आई टू।
अब ये आई वन इज इक्वल टू आई टू या आई टू इज इक्वल टू आई वन, हमने इन दोनों लूप्स में इनकी वैल्यू पुट करनी है। और हमने ये क्यों किया है, क्योंकि ये बैरसिंग कंडीशन ऑफ गलवानोमीटर है कि एट पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर जो पोटेंशियल है।